दादी किचन मास्टर। आज की हमारी रेसिपीज है दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले भल्ले बनाने होंगे। हमने माश की दाल को 2-3 घंटे पहले भिगो दिया, फिर इसे ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करते वक्त इसमें हमने 2 चम्मच जो है वो पानी डाल दिया। और ग्राइंड करने के बाद जो है इसमें बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर जो है वो बेकिंग सोडा डालना है ताकि ये भल्ले जो हैं वो फूल जाएं, और फिर इसको पकौड़ों की तरह हमने फ्राई कर लेना है। इन मसालों के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए, टमाटर 2 से 3 अदद, पुदीना सूखा हुआ क्रश किया हुआ, मिर्च 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च है, और धनिया, नमक 1.5 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, ज़ीरा 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, कलवंजी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच और कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम तकरीबन 1/2 kg के करीब दही डालेंगे, और दही डालने से पहले हमने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। बस इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पतला होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले ये सारे मसाले जो हैं वो हम ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे दही में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए, प्याज, हाफ धनिया जो है वो हम डालेंगे इसमें, और हाफ ही जो पुदीना है वो इसमें सूखा हुआ डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे सारी, और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हमारा दही तैयार हो गया, हमने इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड कर लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दही भले के लिए फुल्कियाँ जो हैं वो डालेंगे। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर जनरल स्टोर से ये जो है अवेलेबल इजीली मिल जाती हैं। इसको 10-15 मिनट जो है वो पहले भिगो देना है सादा पानी में, और फिर इसको हल्के हाथों से जो है वो दबा कर जो है वो उसे ज़्यादा नहीं दबाना ताकि टूटे नहीं, ये देखें, और फिर इसको हम दही में डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो दही में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और अब हम इसमें भल्ले जो हैं वो ऐड कर देंगे। भल्ले जो है जब हमने इसको फ्राई करके डाला था गरम ऑयल से, तो फ़ौरन जो है इसको ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये इसको आराम से डाल देंगे इसके अंदर। और इनको दही में भिगो देंगे। अब इन भल्लों को जो है ऐसे ही दही में वो रहने देना, चम्मच नहीं चलानी ताकि टूटे ना, और ये 10 मिनट इसको दही में रहने दे, और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, फुल्कियाँ भी अच्छे से फूल गई हैं दही में, अच्छी तरह वो जज्ब हो गया दही इनमें, और हमारे भल्ले जो हैं वो भी ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखें, और टूटे भी नहीं हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए, पुदीना, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो आती है, ये भी डाल देंगे।
दही भले जो बनाना जो है वो बहुत ही इजी है। इसमें घर में बच्चियाँ जो हैं वो भी आराम से बना सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल वो बात नहीं है। और बनती भी ये बहुत मज़े की हैं और बाज़ार से ज़्यादा सस्ती और मज़े की रेसिपीज़ ये बनती है। और आपको ये बात बतानी थी कि वीडियो अपलोड जो है वो नहीं हो सकी क्योंकि हादी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बुखार और फीवर कुछ सीज़न की वजह से चेंज हो रहा है सर्दियों का, तो इस वजह से जो है ये वीडियो जो है वो मैं बना रही थी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।